बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है, कल हमने देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था हमने सेंट्रल डोगमा। आज हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। ये टॉपिक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर एंड नोमेनक्लेचर, हमारा बेसिक मकसद है फर्स्ट एड की बुक, ठीक है। तो ये दिए गए हैं फर्स्ट एड में, लेकिन फर्स्ट एड में थोड़ा शॉर्ट करके इसको लिखा गया है, ठीक है। अगेन वही बात, मच इंपॉर्टेंट, और ये कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। इसलिए कॉन्सेप्ट्स जब यहाँ से क्लियर कर लेंगे, फिर फर्स्ट एड की तरफ मूव कर जाएंगे। इसको फर्स्ट एड से भी पढ़ते हैं, लेकिन पहले यहाँ से देख लें। कल मैंने बताया था कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, इनकी दो टाइप्स होती हैं, ठीक है, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स होती है, डीएनए हो या फिर आरएनए हो। और ये दोनों न्यूक्लिक एसिड्स जो है ना, ये दोनों न्यूक्लिक एसिड, डीएनए हो या फिर आरएनए हो, हम शुरू से पढ़ते हैं, इनका एक सब यूनिट होता है जिसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। मतलब न्यूक्लियोटाइड जो है ना, ये सब यूनिट होता है आपके डीएनए हो या फिर आरएनए हो। न्यूक्लिक एसिड की कोई भी टाइप हो, उसका सब यूनिट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा, ये न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए हो या फिर आरएनए हो, वो इन न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, इससे असेंबल होता है। सो नाउ द क्वेश्चन इज दिस, दैट व्हाट इज द न्यूक्लियोटाइड, और किस तरह न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे ये मिलते हैं, कैसे न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, डीएनए या आरएनए, और ये न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, ठीक है। तो आपने पता है, आपको आसान सा है कि न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों पर मुश्तमिल होता है। एक पेंटोज शुगर, ठीक है, जिसको हम राइबोज शुगर भी बोलते हैं, नाइट्रोजिनस बेस, और हमारे पास फास्फेट ग्रुप। ये तीन चीजें होती हैं आपके न्यूक्लियोटाइड में, नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज या राइबोज शुगर और फास्फेट ग्रुप। ये तीन चीजें, इनको हमने देखना है अलग अलग करके। सबसे पहले देखते हैं कि पेंटोज शुगर क्या होती है, ठीक है। पेंटोज शुगर ये क्या होती है, नाम खुद बता रहा है, पेंटोज शुगर मतलब इसमें कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन, और इसी को क्या बोलते होते हैं, राइबोज शुगर, ठीक है। तो ये देखें, 5 कार्बन शुगर्स, पहली चीज 5 कार्बन शुगर, ये इसकी मेन चीज होती है। इसको पेंटोज भी बोलते हैं, 5 कार्बन होते हैं, और ये इसको राइबोज भी बोलते हैं। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है, ये कुछ इस तरह की होती है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 नहीं होता, बल्कि यहाँ पे ऑक्सीजन होती है, यहाँ पे कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे जाके आगे 5, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसमें इस तरह के कार्बन नंबर लगे होते हैं। यूं नहीं तो आप इसकी इस तरह भी कर सकते हैं, अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो नंबरिंग यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, ऑक्सीजन कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो इस तरह भी आप इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है, पेंटोज शुगर, रेबोज शुगर, या फिर इसको 5 कार्बन शुगर भी बोलते होते हैं। अब एक और चीज इसके बारे में, इसकी बुनियाद पे हम न्यूक्लिक एसिड को या तो डीएनए कहते हैं या आरएनए कहते हैं। विच डॉक्टर इज द जीनियस वन, एट कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 पे देखें, यहाँ पे OH होना चाहिए, यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल होना चाहिए, अगर यहाँ पे OH मौजूद है यहाँ पर भी, तो ये क्या है, रेबोन्यूक्लिक एसिड है। ये क्या है, आरएनए है, रेबोन्यूक्लिक एसिड है। अगर आपके इसी कार्बन नंबर 2 पे ये ऑक्सीजन नहीं है, ये मिसिंग है, सिर्फ H लगा हुआ है, तो कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन मिसिंग है, तो ये होगा आपका डी ऑक्सी रेबोज शुगर। ये कौन सी शुगर होगी, डी ऑक्सी रेबोज शुगर। और अगर यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है तो रेबोज शुगर है, ऑक्सीजन मिसिंग है तो डी ऑक्सी रेबोज शुगर है। तो इसी बेस पे इसको डी ऑक्सी रेबोन्यूक्लिक एसिड और रेबोन्यूक्लिक एसिड बोलते होते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रेबोज शुगर क्या होती है, पेंटोज शुगर क्या होती है, और ये 5 कार्बन वाली शुगर, और इसको डी ऑक्सी रेबोन्यूक्लिक एसिड और रेबोन्यूक्लिक एसिड क्या कहते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट था कि नहीं, आसान सा था। देखें डायग्राम से, यहाँ से देख लें, देखें जी, देखें ये कार्बन नंबर 2 पे यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये क्या होगा आपका, ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, डी ऑक्सी, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन है पड़ी, तो यहाँ पे डी ऑक्सी लगाया उसने, नहीं, तो ये क्या होगा आपका, आरएनए, एडिनोसिन हो गया, एडिनोसिन, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या है, एडिनोसिन, लेकिन ये है क्या, किसकी, किसका न्यूक्लियोटाइड है, आरएनए का। ये किसका न्यूक्लियोटाइड है, डीएनए का।
तो अगर वो आपको कोई भी न्यूक्लियोटाइड दे दे, बोले कि ये मेरे पास न्यूक्लियोटाइड है, मुझे बताएं कि ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है या फिर आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है, पहले आप नाम पे जाएं। अगर उसने नाम लिखा हुआ है, अगर नाम लिखा हुआ है, नाम में वो डी ऑक्सी बोल रहा है, देन इट्स कंफर्म्ड कि ये डीएनए का है। अगर डी ऑक्सी नहीं लिखा हुआ तो ये किसका है? अगर उसने ये नाम नहीं दिया आपको, ये नाम उसने शक्ल दे, ये डायग्राम दे दिए, कहते हैं बताओ ये किसकी है, आपने कार्बन नंबर टू पे जाना है और कार्बन नंबर टू पे देखना है ऑक्सीजन है नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है तो मतलब डीएनए होगा, डी ऑक्सी होगा, और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो मतलब क्या होगा, आरएनए होगा। समझ आ गई है, पक्की बात है? चलो ये हमारे पास क्या थी, फाइव कार्बन शुगर। उसके बाद नाइट्रोजिनस बेसिस, उसके बाद लफ्ज कौन सा आता है, नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजिनस बेसिस इसकी रीडिंग कर लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स एज वेल एज न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द पेंटोज दे कंटेन। इफ द पेंटोज इज राइबोज द न्यूक्लिक एसिड इज आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, इफ द पेंटोज इज डी ऑक्सी राइबोज द न्यूक्लिक एसिड इज डीएनए डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। समझ आ गई ये बात, पक्की बात है? यहाँ पर एक बात आपका क्वेश्चन हो सकता था कि ये न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड्स में क्या डिफरेंस होता है, इसको हम आगे जाके देखते हैं। ठीक है, अब देखिए बेसिस क्या होती है, जो नाइट्रोजनस बेसिस होती है ये दो टाइप्स की होती है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस। बेसिस होती हैं, इनमें नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ये बेसिस होती हैं, दो टाइप्स की होती हैं। आपने सुना हुआ होगा, आसान आसान से लफ्ज हैं, प्यूरीन और पैरिमिडीन। पैरिमिडीन जी आपने सुने हुए होंगे, और आप इसको इजीली कह सकते हैं, प्यूरीन क्या होता है, डबल रिंग होता है, और पैरिमिडीन क्या होता है, सिंगल रिंग होता है। और आप इजीली कह सकते हैं कि प्यूरीन के एग्जांपल क्या होते हैं, एडेनिन और गुआनिन, और आपके पैरिमिडिन के एग्जांपल क्या होती हैं, साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन। आपको आती थी या फिर देख के बता रहे हैं? आती थी, और कहीं कहीं पर अगर भूल जाती हैं तो उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, वो देख लें आप। कभी कभी हम भूल जाते हैं, जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं ना, तो उस वक्त जो आपका माइंड होता है वो तकरीबन 50% काम कर रहा होता है। ये तो ऑलमोस्ट सबके साथ होता है, थोड़ा सा टेंशन की वजह से। तो उसको ना भूलने का एक सिंपल सा तरीका है कि आपने वहां पे परेशान नहीं होना। देखिए प्यूरीन, प्यूरीन का लफ्ज छोटा है कि पेरिमिडिन का लफ्ज छोटा है? ऑफ कोर्स प्यूरीन का लफ्ज छोटा है, और स्ट्रक्चर ये वाली बड़ी है कि ये वाली बड़ी है, मतलब डबल रिंग स्ट्रक्चर बड़ी होगी कि सिंगल रिंग स्ट्रक्चर बड़ी होगी? ऑफ कोर्स डबल रिंग स्ट्रक्चर बड़ी होगी। तो आपने इस तरह याद रखना है कि स्ट्रक्चर बड़ी नाम छोटा, स्ट्रक्चर बड़ी नाम छोटा, और नाम स्ट्रक्चर छोटी नाम बड़ा। समझ आ गई ये चीज, ये चीज समझ आ गई है कि स्ट्रक्चर बड़ी नाम छोटा, स्ट्रक्चर छोटी नाम बड़ा। तो इस तरह आपने याद रखना है कि सिंगल रिंग कौन सी होती है और डबल रिंग कौन सी होती है, मेरे ख्याल में कभी नहीं भूलेगी। अब आप कहेंगे सर ये भी बता दें इनकी एग्जाम्पल कैसे याद रखनी है, वो भूल जाती है। चले वो भी बता देता हूँ, फीमेल्स को अक्सर गोल्ड बहुत पसंद होता है कि नहीं, डायमंड पसंद होता है, डायमंड के गोल्ड, गोल्ड डायमंड। डॉक्टर जवेरिया, चले जी, प्योर एज गोल्ड, लेकिन यहां पर गोल्ड की बात है, प्योर एज गोल्ड, सोने की तरह खालिस, बिल्कुल मुखलिस कुछ होते हैं डॉक्टर जुबैर, प्योर एज गोल्ड मतलब सोने की तरह बिल्कुल बिल्कुल मुखलिस से। तो प्योर से हो गया प्यूरीन, एज ए से हो गया एडनीन, गोल्ड जी से हो गया गोनीन। तो जो प्यूरीन है उसके एग्जांपल्स क्या हैं, एडनीन और गोनीन, याद रहेगा ये? दोबारा बताऊं इसको, ये प्योर एज गोल्ड, मेरे ख्याल में जरूरत तो नहीं है, समझ आ गया होगा। अच्छा अब आप कहेंगे पेरिमिडियम का भी बता दें, वो कैसे याद रखनी है, चले वो भी बता देता हूँ। कट द पाई, कट द पाई, ये पाई को काटना है, पावे नहीं काटने हैं, ये ना हो कि समझिए पावे खाने हैं, बना वो नहीं, पाई को काटना है। पाई पड़ा हुआ है ना, ये वाला पाई, कहता है इसको कट करो, कैसे, सी से साइटोसिन, यू से यूरासिल, टी से थायमिन, और पाई से पेरिमिडिन। ठीक है, तो पेरिमिडिन के एग्जांपल है साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन, याद रहेगा ये? चलें जी, ये आपकी नाइट्रोजनस बेसिस की दो एग्जांपल्स होती हैं, दो टाइप्स होती हैं, प्यूरीन और पेरिमिडिन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये प्यूरीन क्या होती है, पेरिमिडिन क्या होती है, और उनकी एग्जाम्पल्स भी आपको समझ आ गई होंगी। अच्छा यहाँ पर आप लोगों का एक क्वेश्चन होना चाहिए, मैं देख लूँ कोई चीज़ रह तो नहीं गई इसमें बताने के लिए।
हाँ, एक और चीज वो कहता है कि आपके जो प्यूरिन्स होती हैं, ये चीज लिख लें, अक्सर भूल जाती है, डीएनए और आरएनए दोनों में मौजूद होती है प्यूरिन्स, भले वो एडिनिन हो भले वो गुआनिन हो, डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों में ये प्रेजेंट होती है, मौजूद होती है। न्यूक्लिक एसिड की जितनी भी टाइप्स हैं दोनों उनमें ये प्रेजेंट होती है। लेकिन जहां तक बात है पेरिमिडीन की, तो पेरिमिडीन में आपकी साइटोसिन दोनों में प्रेजेंट होती है, डीएनए में भी होती है आरएनए में भी होती है। लेकिन यूरासिल की बात करें तो यूरासिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए में होती है, ये डीएनए में नहीं होती। थायमिन की बात करें तो थायमिन डीएनए में होती है, आरएनए में नहीं होती। तो देखें प्यूरीन दोनों में प्रेजेंट होती है, डीएनए हो या फिर आरएनए हो। जहां तक पेरिमिडिन की बात है तो साइटोसिन दोनों में होती है, डीएनए में भी होती है आरएनए में भी होती है, और यूरासिल सिर्फ आरएनए में होती है, डीएनए में नहीं होती, और थायमिन डीएनए में होती है आरएनए में नहीं होती। ठीक है, समझ आ गई ये बात? ओके, हो गया। अब एक और चीज है जो कि आपके क्वेश्चन भी होना चाहिए। अच्छा, ये जो हमने एडिनिन और गुआनिन पढ़ी है ना, इनके अलावा कुछ और भी आपकी नाइट्रोजनस बेसिस प्यूरिन्स में होती हैं, जेंथीन हेपोजेंथीन, ठीक है, तो वो भी देख लीजिएगा, उनको भी उसमें कर लीजिएगा कि जेंथीन हेपोजेंथीन और भी ये उसकी एग्जाम्पल्स होती है। अच्छा जी, यहां पर आपका क्वेश्चन होना चाहिए, हाउ कैन वी रिकग्नाइज दैट दिस वन के एक स्ट्रक्चर में दी गई है। आप कहते हैं कि एक हमें स्ट्रक्चर उन्होंने दी है और उन्होंने कहा है कि ये पहचाने कि ये गुआनिन है, साइटोसिन है, एडिनिन है, यूरासिल है, थायमिन है, हम कैसे पहचानेंगे? उन्होंने सिंपल हमें एक स्ट्रक्चर दे दिया और कहते हैं कि पहचाने इस नाइट्रोजनस बेस का नाम क्या है। आपका सबसे पहला आंसर होगा, सर हम देखेंगे कि वो सिंगल रिंग है या फिर डबल रिंग्ड है। अगर सिंगल रिंग्ड है तो पेरिमिडीन होगी, डबल रिंग्ड है तो, मैं कहता हूं यहां तक तो आपने देख लिया है कि अगर डबल रिंग्ड है तो प्यूरीन है, आगे आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि वो गुआनिन है कि एडिनोसिन है, दैट इज द क्वेश्चन। वो कैसे रिकग्नाइज करना है? आपको ये पूरी जो ये स्केच है सारा याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं कि ये इधर एन लगा हुआ है, इधर इधर ये एन, अगर इस तरह की स्ट्रक्चर होगी तो ये किसकी है, एडिनोसिन की है, ये गुआनिन की है, और ये किसकी, यूरासिल की। सारी स्ट्रक्चर याद नहीं करनी, क्योंकि वहां पे वो आपसे थ्योरी नहीं सुनने वाला, वो आपको सिर्फ स्ट्रक्चर देगा और बोलेगा रिकग्नाइज करें कि ये किसकी है। तो क्या तरीका है, एडिनोसिन ए से स्टार्ट हो रहा है, और अगर एडिनोसिन के टॉप पे अमाइन ग्रुप लगाओ, अमाइन भी ऐसे स्टार्ट हो रहा है, हो रहा है ऐसे स्टार्ट कि नहीं? अगर एडिनोसिन, अगर स्ट्रक्चर दी गई हो और उस स्ट्रक्चर के टॉप पे हो भी डबल रिंग स्ट्रक्चर, ये माइंड में रखना है, पहले आपने देखना है कि वो सिंगल रिंग है या फिर डबल रिंग है। आपने देखा डबल रिंग है, अब कहते हैं डबल रिंग है प्यूरीन होगी, या तो एडिनोसिन है या फिर या तो एडिनिन है या फिर गुआनिन है, तो हमने आपने बोलना है इन दोनों में से मैंने एक पहचान। आप देखें अगर उस डबल रिंग के ऊपर अमाइन ग्रुप मौजूद है तो अमाइन से ए, तो वो कौन सी होगी, एडिनिन होगी। अगर टॉप पे आपको इस तरह का अमाइन ग्रुप नजर नहीं आता, यहाँ पे अमाइन ग्रुप है नहीं, देन इट इज कॉल्ड गुआनिन, फिर ये क्या कहलाती है, गुआनिन। अगर वहां पे अमाइन ग्रुप है तो एडिनिन, अगर अमाइन ग्रुप नहीं है तो गुआनिन। बेसिकली आपकी गुआनिन एडिनिन से ही बनती होती है एक प्रोसेस के जरिए जिसका नाम होता है डीमाइनेशन। डीमाइनेशन मतलब जो आपकी एडिनिन है इसका जो अमाइन ग्रुप है, इसका जो अमाइन ग्रुप है इसको रिमूव करना है, डी करना है, रिमूव करना है। जब अमाइन ग्रुप रिमूव कर दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगी, गुआनिन, डीअमाइनेशन इसकी हो जाएगी। तो अमाइन ग्रुप प्रेजेंट अमाइन ए से और एडिनिन भी ए से, अमाइन ग्रुप डबल रिंग के ऊपर प्रेजेंट, ये याद रखें, डबल ग्रुप लाजमी देखना है, डबल रिंग लाजमी देखना है। अगर अमाइन ग्रुप प्रेजेंट तो दैट इज एडिनिन, अमाइन ग्रुप एब्सेंट तो दैट इज गुआनिन। ओके, हो गया। नेक्स्ट, इधर कैसे देखना है जी, पेरिमिडिन में हमने देखा सिंगल रिंग है सो इट इज पेरिमिडिन, बट हाउ कैन वी रिकग्नाइज इट इज साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन। देन आपने देखना है सिंगल रिंग है, ऊपर अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड साइटोसिन। आपने देखा सिंगल रिंग है, ऊपर अमाइन ग्रुप नहीं है, दैट इज कॉल्ड यूरासिल। तरतीब से कट, और हमने देखा कट द पाई, तरतीब से अमाइन ग्रुप है साइटोसिन, अमाइन ग्रुप नहीं है यूरासिल, और अमाइन ग्रुप नहीं है, आप कहेंगे ये अमाइन ग्रुप इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो ये यूरासिल है कि थायमिन है, then we will recognize the CH3. If this CH3 is present, then it is the thiamine. देखें, thiamine, ये क्या मिथाइल है?
CH3 को क्या बोलते होते हैं, मिथाइल, मिथाइल का और ये थायमिन का, ये टी एच वाई है ना और ये भी टी एच वाई है, अगर आपका सी एच थ्री मिथाइल प्रेजेंट है तो ये क्या होगा आपका थायमिन होगा, ये क्या होगा थायमिन, और अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो फिर क्या होगा आपका यूरासिल होगा, ठीक है। अगर एमाइन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो या तो यूरासिल होगा या थायमिन होगा, लेकिन एमाइन ग्रुप भी नहीं है साथ में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है फिर ये क्या होगी थायमिन होगी, और अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ कुछ भी नहीं है तो फिर ये क्या होगा यूरासिल, ठीक है। और ये कैसे बनते हैं, दोबारा मैं पूछूं कौन से प्रोसेस के जरिए बनेगा आपका ये साइटोसिन से यूरासिल, डीमाइनेशन होगी, क्या होगी डीमाइनेशन, फिर इसी यूरासिल से क्या बनता होता है थायमिन, लेकिन इस बार जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं मिथाइलेशन, उसे क्या बोलते हैं मिथाइलेशन, मिथाइलेशन का मतलब है मिथाइल ग्रुप का एड करना, मिथाइल ग्रुप एड करेंगे, और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका नाम होता है थाइमोडाइलेट सिंथेस, थाइमोडाइलेट सिंथेस, ये एंजाइम थाइमोडाइलेट सिंथेस एक्ट करता है यूरासिल के ऊपर और उसकी मिथाइलेशन कराता है, सी एच थ्री एड करता है तो उसको क्या बना देता है थायमिन बना देता है। आई होप सो दैट के नाइट्रोजनस बेसिस आपको समझ आ गई होंगी, कौन सा ये वाला, चलें जी ये कह रहा है कि आपका जो साइटोसिन है उसकी डीमाइनेशन होगी, माइन ग्रुप रिमूव होगा तो क्या बन जाएगा यूरासिल, फिर इसी यूरासिल से क्या बनता होता है थायामिन, यूरासिल से थायामिन बनने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं मिथाइलेशन, मिथाइलेशन के ऊपर एक मिथाइलेशन के दौरान एंजाइम एक्ट करता है जिसका नाम है थाइमोडाइलेट सिंथेस, थाइमोडाइलेट सिंथेस एंजाइम जो है ना यूरासिल के ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड करता है, क्या करता है मिथाइल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड मिथाइलेशन, मिथाइल ग्रुप जब ऐड करेगा आप यूरासिल क्या बन जाएगा थायमिन बन जाएगा, जी होता है साइटोसिन डीमाइनेज, ठीक है वो वहां पे एंजाइम यूज होते हैं। कहां चले गए, खैर समझ आ गया, तो आगे बढ़ते हैं इसकी रीडिंग करें, चलें कप्लान की बुक से रीडिंग करें, वो भी डिफिकल्ट होती है, रीडिंग भी करा देता हूँ ताकि कोई चीज़ रह ना जाए नाइट्रोजन स्पेसिस के बारे में, बस यही आप कीवर्ड्स हैं इनके याद रखें तो ऐसे वाले से जो भी एमसीक्यूज आएगी आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। प्यूरिन्स कंटेन्स टू रिंग्स इन देयर स्ट्रक्चर, द प्यूरिन्स कॉमनली फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड आर एडेनिन एंड गुआनिन, ठीक है, बोथ आर फाउंड इन डीएनए एंड आरएनए, प्यूरिन्स दोनों में होती हैं। अदर प्यूरिन मेटाबोलाइट्स नॉट यूजुअली फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड बट होती है इंक्लूड ज़ैंथिन, एपोज़ैंथिन एंड यूरिक एसिड, ये भी आपकी क्या है प्यूरिन्स है। इफ वी टॉक अबाउट द पिरिमिडिन्स हैव ओनली वन रिंग, साइटोसिन इज प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए, थायमिन इज यूजुअली फाउंड ओनली इन डीएनए वेयर एज यूरासिल इज फाउंड ओनली इन आरएनए, ठीक है। बाकी ये स्ट्रक्चर मैंने आपको भी समझा दिए ये किस तरह की होती है, ठीक है समझ आ गया है। अच्छा उसके बाद आपने एक और चीज पढ़ी होगी कि हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं नाइट्रोजन बेसिस के दरमियान में, पढ़े हैं ना कि ये एक डीएनए का स्टैंड होता है, ये दूसरा डीएनए का स्टैंड होता है, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है नाइट्रोजन बेसिस की, आपस में क्या होती है नाइट्रोजन बॉन्डिंग, थोड़ा सा बता देता हूँ ये नाइट्रोजन बॉन्ड कौन कौन आपस में बनाता है, एडेनिन किसके साथ बनाता है थायमिन और साइटोसिन गुआनिन के साथ, रट्टा मारा हुआ है या फिर कोई फार्मूला है आपके माइंड में, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, एक और बताता हूँ ताकि बॉयज को कभी ना भूले, बॉयज को कभी ना भूले, एट गर्ल्स कॉलेज, ठीक है एट गर्ल्स कॉलेज, तो ए से एडेनिन, टी से थायमिन, जी से गुआनिन, सी से साइटोसिन, सो एडेनिन बॉन्ड बनाएगा थायमिन के साथ और साइटोसिन बॉन्ड बनाएगा गुआनिन के साथ, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज है तो बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, जी और सी के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा और एडेनिन और थायमिन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा, थोड़ा वीक बॉन्ड होगा, ठीक है। तो पहले दो बॉन्ड फिर अगले के दरमियान थ्री बॉन्ड, ठीक है समझ आ गया।
तो ये नमूना क्या है, ये थोड़ा सा हाइड्रोजन बांड के बारे में था कि ये आपस में किस तरह बांड बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे ख्याल में ये हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिए हमने तीन चीजें देखी थी, रेबोज शुगर कर लिया हमने, उसके बाद हमने क्या देखा, नाइट्रोजनस बेस, और नाइट्रोजनस बेस आपकी जो रेबोज शुगर होती है उसके कार्बन नंबर 1 पे लगती होती है, ये बात देख लें। जो आपकी नाइट्रोजनस बेस होती है ये रेबोज के पेंटोज के कार्बन नंबर 1 पे लगती होती है। अब हमारे पास क्या रह गया, फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप कौन से नंबर कार्बन पे लगी हुई है, ये देखें, फर्स्ट तो ये वाला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फिफ्थ पे होती है, ठीक है। शो वैसे यहां पे करा दिया जाता है इधर ही, लेकिन ये होती फिफ्थ पे है। फास्फेट ग्रुप कौन से कहां पे होता है, कार्बन नंबर 5 पे होता है, ठीक है। तो फास्फेट ग्रुप आसान सा है, कोई मुश्किल है नहीं इसमें, ठीक है। ये देखें ये फास्फेट ग्रुप होता है, उसने इसको ज्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं किया, ये फास्फेट ग्रुप। इसमें अगर एक फास्फेट हो मोनोफास्फेट, दो फास्फेट हो तो, तीन फास्फेट हो तो ट्राईफास्फेट। तो इसी बेस पे हम नाम देते हैं। अभी हम इसकी नोमेनक्लेचर भी पढ़ते हैं कि इसको नाम कैसे देते हैं, अभी पहले सिर्फ बेसिक्स देख लें, ठीक है। तो ये मोनोफास्फेट और इनके दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं, ये बॉन्ड्स ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। हाई एनर्जी एनर्जी होती है, ठीक है। इनको तोड़ने से हमें कैलोरीज मिलती है। चलिए जी, ये आपका फास्फेट ग्रुप था, ठीक है। और तीनों हो गई, ये हमारी क्या थी, रेबोज कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजिनस बेस, और आपके कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट ग्रुप। ये आपका हो गया एक न्यूक्लियोटाइड, पढ़ लिया एक न्यूक्लियोटाइड, 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह आपका दूसरा न्यूक्लियोटाइड होता है सेम इसी तरह, ये आप कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस ऑक्सीजन, और कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट ग्रुप। और यहाँ पे OH होता है, अगर RNA हो तो OH होगा ना, अगर DNA हो तो सिर्फ H होगा, यहाँ पर क्या होता है OH होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा, ये आपस में कैसे मिलकर एक DNA का स्ट्रैंड बना देते हैं, पूरा एक स्ट्रैंड। अभी हम एक स्ट्रैंड देख रहे हैं, एक स्ट्रैंड कैसे बनता है। ये पहला न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा, इसी तरह तीसरा, मैं इसको छोटा बल्कि इधर ही समझा देता हूँ। दो न्यूक्लियोटाइड तो आप आ गए ना समझ, कि दो न्यूक्लियोटाइड ने बना दिए। तो ये यहां पे, यहां से हाइड्रोक्सिल और यहां से ये फास्फेट ग्रुप, ये आपस में फास्फोडाइस्टर बांड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, फास्फोडाइस्टर बांड। जब ये फास्फोडाइस्टर बांड बनेगा तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, इसी तरह नीचे एक और जुड़ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर स्केच नहीं हो रहा, तो यहाँ पर फास्फोडाइस्टर बांड बन जाएगा, फिर इसी तरह नीचे नीचे नीचे, तो इसी तरह आपके न्यूक्लियोटाइड्स लगते जाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इस तरह आपके एक लंबी जो है ना, एक स्ट्रैंड बन जाता है, आरएनए का हो या फिर डीएनए का। एक स्ट्रैंड बन गया, डीएनए का एक स्ट्रैंड बन गया, इसी तरह डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड बनेगा। और ये दोनों स्ट्रैंड आपस में कैसे मिले होते हैं, अभी हमने पढ़ा है, हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए, नाइट्रोजन बेसिस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना के ऐसे ये फिर स्ट्रैंड आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई आपसे पूछे के ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो आपस में मिल रहे हैं, ये वाले न्यूक्लियोटाइड्स, उनकी डायरेक्शन क्या है मिलने की, नो 3' to 5', ये देखें 3' to 5', हाइड्रोक्सिल 3' पे थी, 3' to 5', 3' to 5' न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते चले जाते हैं। सॉरी, इसमें से H2O निकलेगा, वाटर बनेगा इससे, ठीक है। वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे डिटेल में, इसको फास्फोडाइस्टर बांड को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा आपका, फास्फोडाइस्टर बांड बन जाएगा, तो इस तरह ये जुड़ जाएगा आपका ये, ठीक है, और 3' to 5' डायरेक्शन में लगेगा। तो इस तरह एक न्यूक्लियोटाइड ने क्या बना दिया, डीएनए बना दिया, एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ते हैं, और डीएनए का एक स्ट्रैंड कैसे बनता है, समझ आ गया। इसके अपोजिट ऑफ कोर्स वो हम डिटेल में इंशाल्लाह देखेंगे, बस अभी मैंने सिंपल ऊपर से देखे। अगर ये वाला स्टैंड बना है 3' to 5', तो दूसरा इसके उलट बनेगा, वो उलट होगा बेसिकली, उसका 3' वो बनेगा, वो भी 5', 3' to 5', लेकिन ये इसका नाइट्रोजनस बेस इस तरह की लगी हुई थी, उसकी इस तरह की लगी होगी, ठीक है। लेकिन बनता दोनों 3' to 5' है, लेकिन उनकी सेम डायरेक्शन थोड़ी डिफरेंट होती है, इसीलिए एक को बोलते हैं 3' to 5' स्टैंड, एक को बोलते हैं 5' to 3' स्टैंड।
ठीक है। तो इस तरह आपके न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं और आपस में जुड़ते हैं और डबल स्ट्रैंड आपस में इस तरह जुड़ जाते हैं। बाकी डिटेल में इंशाल्लाह ताला इसको आगे कल हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे न्यूक्लिक एसिड को, डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। समझ आ गया? नाउ इट्स द टाइम दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। हमने कहा है कि ये रेबोज है, इसके नाइट्रोजनस बेस है और यहां पर फॉस्फेट ग्रुप है। अगर इस फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दें दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। अब ये क्या कहलाएगा? ये बच्चों वाले कंसेप्ट है मेरे ख्याल में, छोटे छोटे से, बस मैं कोशिश कर रहा हूं। डॉक्टर अलीशान हैव अ क्वेश्चन? तो न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप हम रिमूव कर दें तो ये क्या, न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कर दें तो ये क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। ठीक। अच्छा एक और बात वो कहते हैं, शायद आगे भी आएगी तो मैं पहले बता दूं, शायद ना आए आगे। तो ये जो आपका डीएनए का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो आपकी नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं ये अंदर की तरफ से लगी होती हैं। अंदर की तरफ का मतलब क्या है कि इस स्ट्रैंड का अंदर की तरफ कौन सा वाला होगा? ये वाला। इस स्ट्रैंड का अंदर की तरफ कौन सा वाला होगा? ये वाला। तो ये अंदर की तरफ लगी होती है, यहाँ पे एक लगी होगी और ये यहाँ पे। ये क्यों लगी होती है अंदर की तरफ? ताकि आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सके और जोड़ सके चीजों को। और बेसिकली हम पढ़ते हैं ना कि डीएनए इस तरह आपस में जुड़ा होता है ऐसे सीढ़ी की तरह का, लेकिन ऐसे नहीं होता, ये ऐसे बल खाता हुआ, ये पता होगा आपको, ये ऐसे इस तरह बल खा के जुड़ा होता है और यहाँ पे ऐसे ऐसे मिले होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं ऐसे ऐसे, इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो ये हमारा क्या था? डीएनए। और अगर आरएनए होगा तो वो सिंगल स्ट्रैंड होगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस समझ आ गया है? अगर अब मैं आपको कोई स्ट्रक्चर दूं तो आप पहचान लेंगे कि न्यूक्लियोटाइड है या फिर न्यूक्लियोसाइड है। बाकी बात है कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए। ये क्या है? ये न्यूक्लियोसाइड है कि न्यूक्लियोटाइड है? क्या है ये? न्यूक्लियोसाइड है। फास्फेट ग्रुप है कहीं पर दिखाई दे रहा है? नो। सो इट इज न्यूक्लियोसाइड। ये क्या है जरा ध्यान से? न्यूक्लियोसाइड। क्यों? फास्फेट ही नहीं है। फास्फेट कहाँ है? फाइव पे नहीं है। फास्फेट होगा तो न्यूक्लियोटाइड, फास्फेट नहीं होगा तो न्यूक्लियोसाइड। मैंने सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कहा कि जरा ध्यान से, और कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड आप पहचान लेंगे। अब इसकी नेमिंग कैसे करते हैं? नाम लिखा होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोज मोनोफॉस्फेट। ये इसकी नेमिंग नोमेनक्लेचर हम इसकी आप देखते हैं कि नोमेनक्लेचर आपने कैसे करनी है। पहले कोई ढूंढ लेते हैं एक, जिसको हम, हाँ यह इसको ढूंढ लेते हैं, इसको छोड़ दें, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, हम इसको पकड़ते हैं। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू दैट रिकॉग्नाइज द नाइट्रोजनस बेस। सबसे पहले आपने किसको पकड़ना है? इसको, नंबर वन स्टेप। जिस तरह की नोमेनक्लेचर मैं बता रहा हूं इस तरह की आपको किसी भी बुक में इतनी आसानी से लिखी हुई नहीं मिलेगी। सबसे पहली चीज, रिकॉग्नाइज द नाइट्रोजनस बेस, एदर इट इज प्यूरिन और पैरिमिडीन। पहली चीज आपने देखना है कि ये प्यूरिन है या फिर पैरिमिडीन है, वो मैंने आपको बताया हुआ है। अगर स्ट्रक्चर बड़ी है तो नाम छोटा होगा, प्यूरिन होगी। तो ये हमारे पास क्या है? प्यूरिन है। पहली चीज हमने पहचान लिया कि ये क्या है? प्यूरिन है। दूसरी चीज क्या करनी है? रिकॉग्नाइज द नाइट्रोजनस बेस, कि नाइट्रोजनस बेस पहले हमने देखा डबल रिंग है या सिंगल रिंग है। अब हम दूसरे स्टेप में देखेंगे कि अगर डबल रिंग है तो उसमें से एडिनिन है या फिर गुआनिन है, और अगर पेरिमिडीन में से है तो उसमें से साइटोसिन है, यूरासिल है या फिर थायमिन है। तो उनमें से कोई एक हमने पहचाननी है। तो हमने रिकॉग्नाइज करना है ये कौन सी है। तो कौन बताएगा ये कौन सी है? है डबल रिंग, प्यूरिन है, एडिनिन है कि गुआनिन है? कैसे पता चला? आप बोलेंगे पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर अमाइन ग्रुप नहीं है। ऊपर अमाइन ग्रुप, अगर अमाइन ग्रुप होता तो एडिनिन होता, अमाइन ग्रुप नहीं है तो ये क्या है? गुआनिन है। ये हमारा कौन सा स्टेप हो गया? दूसरा स्टेप हो गया। स्टेप नंबर थ्री, रिकॉग्नाइज द पेंटोज शुगर। जो आपके पास पेंटोज शुगर है, आप इसकी तरफ आ जाए, इसको रिकॉग्नाइज करें। रिकॉग्नाइज द पेंटोज शुगर, एदर इट इज डी ऑक्सीराइबोज और रेबोज। अब ये ढूंढना है हमने कि ये रेबोज है या फिर डी ऑक्सीराइबोज है। तो ये कौन सी है? कार्बन नंबर टू पे हमने जाना है। यही तरीका है ना देखने का कि रेबोज है या फिर डी ऑक्सीराइबोज है, कार्बन नंबर टू पे जाए। ये मैं जो स्टेप्स बता रहा हूँ ये लिख ले, ये लिख। वैसे जब आपको हमारी बुक मिलेगी एडम्स क्रिएटिव
सॉल्यूशन स्टेप वन, तो उसमें ये सारा लिखा होगा, लेकिन जब तक आपको बुक मिलती है तब अपने याद करने के लिए इसको लिख लें। तीसरा स्टेप क्या है कि आपने पेंटोज शुगर को देखना है कि वो रेबोज है या फिर डीऑक्सी रेबोज है। कार्बन नंबर टू पे जाएंगे, अगर यहाँ पर हाइड्रोक्सल लगा हुआ है तो ये क्या है, रेबोज, और अगर हाइड्रोक्सल ऑक्सीजन मिसिंग है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, इट डजंट मीन दैट यहाँ पे एच नहीं है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, सिर्फ ऑक्सीजन मिसिंग है, ठीक है, यहाँ पे एच है, वो दिखा नहीं रहा लेकिन यहाँ पे एच है, सिर्फ ऑक्सीजन मिसिंग है, तो ये क्या होगा, डीऑक्सी, तो ये क्या होगा, डीऑक्सी, ये है हमारे पास डीऑक्सी। यहां तक हम पहुंच चुके हैं कि डीऑक्सी भी है भी गुआनिन। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, नंबर फोर पे, काउंट द नंबर ऑफ फास्फेट, इसके साथ जितने फास्फेट अटैच है वो काउंट करें, नंबर फोर पे कितने काउंट है, एक, तो मोनोफास्फेट लिख लें इसको, मोनो फास्फेट है ये। अब नेक्स्ट चीज हमने क्या करनी है, नेक्स्ट चीज हमने जो भी नेमिंग देनी है नंबर फाइव पे, तो स्टार्टिंग नेम आपने कैसे देना है, नाइट्रोजनस बेस से देना है, कैसे, ये तीन चीजें आपने इकट्ठी कर ली है, ये हमारी चीज अगर हमें मिल गई है तो आगे मुश्किल ही नहीं है, आगे बिल्कुल आसान है। अब नाम हमने स्टार्ट करना है नाइट्रोजनस बेस से, अगर नाइट्रोजनस बेस से हमने नाम इस तरह स्टार्ट करना है, अगर वो नाइट्रोजनस बेस प्यूरीन है तो उसका हम इंडिंग करेंगे ओसिन से, कैसे, गुआनिन है ना, तो इसका ये हटा के, आइन हटा के यहां पे हम लगा देंगे ओ एस आई एन ई जी यू ए गुआनोसिन, ओसाइन लगा देंगे हम, क्या लगा देंगे, ओसाइन लगा देंगे, अगर प्यूरीन है, अगर प्यूरीन है तो क्या लगा देंगे, ओसाइन, तो ये हमारे पास प्यूरीन है। अच्छा, हमने क्या लगा दिया, ओसिन, लेकिन पहले ये देखना मत भूलें, इससे पहले ये देखना मत भूलें कि ऑक्सी डी ऑक्सी है या फिर डी ऑक्सी नहीं है, डी ऑक्सी है या फिर ऑक्सी है, ये क्या है, डी ऑक्सी है, तो पहले डी ऑक्सी लगाना मत भूलें, डी ऑक्सी गुआनोसिन, डी ऑक्सी गुआनोसिन बन गई, ये है उसके न्यूक्लियोसाइड का नाम, किसका नाम, क्योंकि फास्फेट मैंने ग्रुप यहाँ पे ऐड नहीं किया, अगर मैं फास्फेट ऐड करता हूं, एक फास्फेट है, डी ऑक्सी गुआनोसिन मोनोफास्फेट, नाउ इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, तो आप न्यूक्लियोटाइड को नाम दे पाएंगे। अगर ये नाइट्रोजनस बेस प्यूरीन ना होती, ये पेरिमिडीन होती, इस तरफ आ जाए, फिर दोबारा तीन चीजें इकट्ठी करें, ये समझ आ गया था ना, ये दोबारा रिपीट करने की जरूरत है, जरूरत हो तो बता दें। चले अब इधर देखें, अगर पेरिमिडीन हो तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस के पास जाएं, अगेन मैं स्टेप रिपीट कर रहा हूं ताकि रिपीट भी हो जाए एक बार, प्यूरीन है कि पेरिमिडीन है, अच्छा इसको जो आपने नाम दिया है देख लें, आपने सही नाम दिया है, डी ऑक्सी गुआनोसिन मोनोफास्फेट, आपने ठीक नाम दिया है, इस तरफ आ जाए। चले जी, प्यूरीन है कि पेरिमिडीन है, पेरिमिडीन है, अगर पेरिमिडीन है तो उसमें पहचाने साइटोसिन है, यूरासिल है कि थायमीन है, यूरासिल, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी नहीं है और इमाइन ग्रुप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यूरासिल होगा, एक चीज हमने गेन कर ली, व्हाट इज दिस। अच्छा वैसे मजे की बात है, जब यूरासिल आ गया है तो नाइट्रोजनस पेंटोज को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ होता ही किसमें है, आरएनए में है, लेकिन कभी कभी आपका यूरासिल डीएनए में भी होता है और ये नॉर्मली होता है, ठीक है, तो इसीलिए नीचे देख लेना जरूरी है, अगर अच्छा आंसर करना चाहते हैं तो नीचे लाजमी देखें, ठीक है, तो नीचे आपने देखना है कि कार्बन नंबर टू पे ऑक्सीजन है कि नहीं, ऑक्सीजन यहाँ पे है, मतलब ये क्या है, आरएनए है, तो ये हमारे पास क्या है, ऑक्सी, हमें दूसरी चीज भी मिल गई। तीसरी चीज हमने क्या देखनी है, नंबर ऑफ फास्फेट ग्रुप कितने हैं, एक है, तो मोनोफास्फेट, अब हमने नाम देना है, अगर प्यूरीन थी नाइट्रोजनस बेस तो इंडिंग हम कर रहे थे ओसिन से, ओ एस आई एन से, अब कैसे करेंगे, आई डी आई एन ई से, एडीन से, कैसे, आईडीन से, आई डी आई एन ई से, अब यूरेटेडीन, क्या लिखेंगे, यूरेडीन, नॉट टी एस में नहीं आएगा, यूरासिल होता है ना, यूराइडीन, ठीक है, यूराइडीन, और ये क्या है, मोनोफास्फेट, अगर डी ऑक्सी होती तो पीछे लगा देते डी ऑक्सी, लेकिन डी ऑक्सी नहीं है, ये तो ऑक्सी है, तो इसको क्या नाम देंगे, यूरिडीन मोनोफास्फेट, ये देखें, यूरिडीन मोनोफास्फेट, या शॉर्ट फॉर्म में यूएमपी, यूरिडीन मोनोफास्फेट, तो नॉमन क्लचर आ जाएगी आपको,
बाकी बात है, इसको नाम दे आप, एटीपी को एटीपी क्यों बोलते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं। एटीपी क्या है मुझे ये बताएं आप, मैं दो क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, दो क्वेश्चन पूछूंगा। पहले मुझे ये बताएं एटीपी न्यूक्लियोटाइड है कि न्यूक्लियोसाइड है? न्यूक्लियोटाइड है क्योंकि फास्फेट ग्रुप मौजूद है। दूसरा ग्रुप में पूछूंगा एटीपी इज द पार्ट ऑफ डीएनए और आरएनए, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है कि आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है? हाउ कैन यू से दैट इट्स अ पार्ट ऑफ डीएनए, क्योंकि इट्स अ ऑक्सी, देन इट्स अ पार्ट ऑफ आरएनए नॉट डीएनए, डीएनए इज द डीऑक्सी, इट्स अ पार्ट ऑफ आरएनए बिकॉज हियर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट एंड कार्बन नंबर 2, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, इट्स ऑक्सी नॉट डीऑक्सी, सो इट्स अ पार्ट ऑफ आरएनए। तो ये एटीपी के बारे में दो कॉमन सेंस थी, जो कि हम एटीपी का नाम तो शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये दो कॉमन सेंस हमें नहीं पता थी। एटीपी इज अ न्यूक्लियोटाइड एंड सेकंड थिंग, एफएससी से रट्टा तो मारते आ रहे हैं कि एटीपी इज अ न्यूक्लियोटाइड, एटीपी इज अ न्यूक्लियोटाइड, एटीपी इज अ न्यूक्लियोटाइड, लेकिन पता नहीं न्यूक्लियोटाइड क्यों होता है। एंड इट्स अ पार्ट ऑफ आरएनए बिकॉज हाइड्रोक्सिल इज प्रेजेंट, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट कार्बन नंबर 2, सो इट्स अ रिबोस शुगर। ये चीज तो हो गई, अब इसको नाम क्यों देते हैं एटीपी का, कौन से डॉक्टर सॉल्व करवाएगा इसको मुझे? ठीक है, तरतीब से सॉल्व करवाएं डॉक्टर आसिम, तरतीब से, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। स्टेप वन, स्टेप वन, रिकॉग्नाइज द प्लीज प्लीज जस्ट डॉक्टर आसिम, प्यूरिन होता है। एंड नंबर नंबर वन स्टेप मैं दोहराता जाऊंगा ताकि पता चले, इधर आवाज भी जाती। नंबर वन स्टेप क्या, हमने रिकॉग्नाइज किया प्यूरिन है या पिरिमिडिन है। नंबर टू स्टेप, रिकॉग्नाइज करना क्योंकि ये प्यूरिन है तो कौन सी प्यूरिन है, रिकॉग्नाइज करो इसको, एंड माइंड ग्रुप प्रेजेंट है सो इट इज द एडिनिन, सो इट्स आवर फर्स्ट स्टेप हैज बीन कंप्लीटेड। आवर नेक्स्ट स्टेप इज पेंटोज को देखो, डी ऑक्सी है के ऑक्सी है, इट इज ऑक्सी, दूसरा भी मिल गया। तीसरा स्टेप फास्फेट को देखो, कितने फास्फेट हैं, तीन, तो ट्राइफास्फेट, तीसरा भी मिल गया। अब नाम देने लगे हैं, अब नाम देने लगे हैं क्योंकि प्यूरिन है तो इंडिंग किससे होगी डॉक्टर आसिम, ऑसिन से, तो इसको हम नाम देंगे एडिनोसिन से, कैसे, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। अगर डीऑक्सी होता तो पहले डीऑक्सी लगाते, लेकिन ये ऑक्सी है तो डीऑक्सी नहीं लगाएंगे, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, सो इट इज कॉल्ड एडिनोसिन एटीपी। तो इस तरह आपका एडिनोसिन ट्राइफास्फेट एटीपी की नोमेनक्लेचर होती है, समझ आ गई है? बाकी बात है, कोई क्वेश्चन रह गया आप लोगों का है? कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया, कोई कंफ्यूजन, कोई चीज समझ ना आ रही हो, कुछ भी, सब क्लियर हो गया? आई होप कि सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और रीडिंग करें इसकी, न्यूक्लियोसाइड्स आर फाउंड बाय, जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, जहां पे समझ ना आए वहां पे मुझे रोक लेना। न्यूक्लियोसाइड्स आर फाउंड बाय कोवेलेंटली लिंकिंग अ बेस टू द नंबर वन कार्बन ऑफ द शुगर, द नंबर्स आइडेंटिफाइंग द कार्बन ऑफ द शुगर आर लेबल्ड विद द प्राइम्स इन द न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स द डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द कार्बन्स ऑफ द, मतलब ये कार्बन नंबर जो है प्राइम में लिखे होते हैं, वन प्राइम इस तरह लिखते हैं ना हम लोग, वन प्राइम, टू प्राइम, ठीक है ना, तो ये उसमें लिखे होते हैं, ठीक है। और यहां पर वो क्या बता रहा है कि ये कोवेलेंट लिंकेज होती है आपकी, न्यूक्लियोसाइड्स आर फाउंड बाय बेस और ये जो कार्बन नंबर होता है इसके दरमियान क्या होती है, ये जो बॉन्ड होता है ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दी है। नेक्स्ट, न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन वन और मोर फास्फेट ग्रुप इज अटैच्ड टू द 5 प्राइम कार्बन ऑफ द न्यूक्लियोसाइड, समझ आ गया? न्यूक्लियोसाइड में दो होते हैं ना, पेंटोज भी होती है और नाइट्रोजनस बेस होती है, अगर उसके नंबर 5 पे फास्फेट लगा दे तो न्यूक्लियोसाइड क्या बन जाएगा? तो इस तरह का क्वेश्चन मोस्टली आता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, या फिर न्यूक्लियोटाइड का दूसरा क्या, दूसरी क्या स्ट्रक्चर होगी, नाइट्रोजनस बेस पेंटोज प्लस फास्फेट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड डाई एंड ट्राई फास्फेट्स आर हाई एनर्जी कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ हाइड्रोलाइटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द एसिड एनहाइड्राइड बॉन्ड्स, इनमें बॉन्ड्स होते हैं ये एसिड एनहाइड्राइड, तो उनकी वजह से इनमें एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये हमने कर ली है मेरे ख्याल में। नोमेनक्लेचर, द नोमेनक्लेचर फॉर द कॉमनली फाउंड बेसिस न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स इज शोन बिलो, नोट दैट द डीऑक्सी पार्ट ऑफ द नेम्स डीऑक्सीथायमीन डीटीपी एटसेट्रा इज समटाइम्स अंडरस्टूड एंड नॉट एक्सप्रेसली स्टेटेड, इसको छोड़ने किसी काम की नहीं है। ये देख ले, ये उसमें लिखी हुई है, अगर बेस है आपकी एडिनिन, अगर वो न्यूक्लियोसाइड है तो उसमें मोनोफॉस्फेट नहीं लगेगा, सिर्फ एडिनोसिन,
अगर न्यूक्लियोटाइड है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर गुआनिन है तो उसेइन लगेगा, गुआनोसिन डीऑक्सीगुआनोसिन, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट डाइफॉस्फेट ट्राई। अगर ये साइटोसिन पिरिमिडीन है तो साइटोडीन लगेगा, डीऑक्सीसाइटोडीन, साइटोडीन मोनोफॉस्फेट, साइटोडीन डाइफॉस्फेट, साइटोडीन ट्राइफॉस्फेट। अगर फॉस्फेट होगा तो न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट नहीं है तो न्यूक्लियोसाइड। और यूरासिल, यूरासिल डीऑक्सीयूरिडीन भी होता है क्योंकि ये आपके बाज दफा आपके ये डीएनए में भी प्रेजेंट होता है। यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन डाई ट्राइफॉस्फेट और डीऑक्सीथेमिडीन, ये कभी भी आरएनए में नहीं होता, ये सिर्फ डीएनए में होता है। डीऑक्सीथेमिडीन मोनोफॉस्फेट डाइफॉस्फेट एंड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो मेरे ख्याल में कोई चीज नहीं रहेगी, बाकी इंशाल्लाह इसको हम आगे देखें। कोई क्वेश्चन रह गया आप लोगों का? हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन रह गया है, आप लोगों का नहीं रह गया। तो कल मैंने एक आपको एमसीक्यू शो कराई थी, मैंने कहा था आप लोग विद इन द सेकंड्स उसको सॉल्व करेंगे। कहा था व्हाट इज द स्ट्रक्चर इंडिकेटेड बिलो, न्यूक्लियोसाइड है, डेल्टा ऑप्शन। देखिए आपने विद इन द सेकंड इसको सॉल्व किया है, ठीक है। ये क्या है, प्यूरीन है, और है क्या, न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट नहीं लगा, सो इट इज द प्यूरीन न्यूक्लियोसाइड। यूएसएमबी एमसीक्यूज थी, आपने कितने सेकंड में सॉल्व किया है? सो इट्स लुकिंग लाइक यू आर बिकमिंग डॉक्टर्स, यस है ना। इसी वाले से अगर कोई और एमसीक्यूज हो तो उसकी प्रैक्टिस भी करा देता हूं। मेरे ख्याल में नहीं है, नहीं है, खैर इसी टॉपिक को हम अब जरा फर्स्ट एड से देख लें, जो कि हमारी जिस बुक का हम फॉलो भी कर रहे हैं। देखिए न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू बेस प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर, दो चीजें होंगी उसमें। न्यूक्लियोटाइड में बेस प्लस डीऑक्सीराइबोज फॉस्फेट लिंक्ड बाई 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, ये मैंने आपको बता दिया है। 5' एंड इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड बेयर्स द ट्राइफॉस्फेट एनर्जी सोर्स फॉर द बॉन्ड, ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड इज टारगेट ऑफ 3-hydroxyl अटैक। ये फॉस्फोडाइस्टर मैंने बॉन्ड बताया था, दोबारा बताऊं, ये मैंने बताया, ये सॉरी, ये मैंने बताया कि एक नीचे होगा, कि ये 5 पे फॉस्फेट होगा, 3 पे ये आपस में एक दूसरे को अटैक करेंगे और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देंगे। ये देखें उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये उसने अपना लिखा हुआ है नमूनक याद करने का, नीचे देखें प्यूरिन्स एजी टू रिंग्स और पिरिमिडीन्स, ये उसने अपना लिखा हुआ है, ये देखें, हाँ बल्कि यहाँ पे लिखे हुए हैं दोनों, प्योर एज गोल्ड कट द पाई, ठीक है। और थायमीन हैज मिथाइल, तो थायमीन THY और मिथाइल का THY। उसके बाद अच्छा डीमाइनेशन में थोड़ी देर पहले पढ़ा रहा था कि डीमाइनेशन वो होते हैं माइन ग्रुप रिमूव, अगर आप साइटोसिन से माइन ग्रुप रिमूव करेंगे तो वो यूरासिल भी बन जाता है, साइटोसिन से यूरासिल, और एडेनिन से रिमूव करेंगे तो एडेनिन से गुआनिन भी बन जाता है और हेपोजेंथिन भी बन जाता है। और अगर आप इसी गुआनिन से उसकी डीमाइनेशन करेंगे तो वो, अब लाजमी नहीं है कि माइन ग्रुप एट द टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर लगा हुआ है। अब देखें माइन ग्रुप सिर्फ एट द टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर नहीं है, साइड पर भी माइन ग्रुप लगे हुए हैं, कहां गया, ये देखें ये भी माइन ग्रुप लगे हुए हैं, ये भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो इनकी माइनेशन डीमाइनेशन डिफरेंट तरीके से होती है, अगर आपके गुआनिन की डीमाइनेशन होगी तो वो क्या बन जाएगा, जेंथीन, और 5-methyl साइटोसिन की होगी तो वो क्या बन जाएगा, थाइमीन बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपने रट्टा पेस्ट है कि अगर इनकी डीमाइनेशन हो तो, ठीक है। सीजी बॉन्ड्स, गर्ल्स कॉलेज बॉन्ड्स 3 bonds होते हैं, स्ट्रॉन्गर देन एटी बॉन्ड्स 2 bonds, ग्रेटर द सीजी कॉन्टेंट इंक्रीजिंग मेल्टिंग। वो कहता है कि क्योंकि अगर आपके कोई भी डीएनए है, ये डीएनए है, ये कह रहा है कि डीएनए में क्या होते हैं, ये बॉन्ड भी होते हैं डबल, ये बॉन्ड भी होते हैं ट्रिपल। वो कहता है अगर ये वाले बॉन्ड ज्यादा हो सीजी लास्ट, तो आपका जो डीएनए उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा उस डीएनए का। सीजी बॉन्ड्स आर लाइक क्रेजी ग्लू, मतलब कि पागल से ग्लू है, चिपक जाता है सही तरह से और ये अलग नहीं होता। अमीनो एसिड नेसेसरी फॉर प्यूरीन सिंथेसिस, इसको हम बस कल देखेंगे इंशाल्लाह डिटेल में, वो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो, मैंने कहा था ना डीनिवो प्यूरीन एंड पिरिमिडीन सिंथेसिस पाथवे, इम्यूनोलॉजी में पढ़ रहा था मैं, इम्यूनोफार्माकोलॉजी में पढ़ रहा था, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ये, इसको हम वहां पे देखेंगे कि ये वहां पे इन्वॉल्व होती है, तो ये हमारा अमीनो एसिड्स वहां पर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और ये उसने स्ट्रक्चर को खोल के बनाया है
आपकी पैरिमिडिन की स्ट्रक्चर है या आपकी प्यूरिन की स्ट्रक्चर है। तो बस यही है, कोई चीज आपकी रह गई हो तो बता दें, कुछ समझना है। देखो उसने इसको न्यूक्लियोटाइड को इतना छोटा सा करके लिखा है, तो हमने उसको जरा डिटेल में पढ़ा है। और ये लिखा हुआ है यूरासिल फाउंड इन डीएनए आरएनए थायमिन इन डीएनए मिथाइलेशन ऑफ यूरासिल मेक्स थायमिन। ये वही कंसेप्ट जो मैंने कहे थे। कोई कंसेप्ट या कोई सवाल रह गया, सब समझ आ गया? चलें, वेरी गुड, ओके, अल्लाह हाफिज़।